कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनालसा की दुनिया में आपका स्वागत है। इनालसा आपकी रसोई में ऐसा साथी बनेगा कि आपको खाना बनाने में मजा आ जाएगा। इस इनालसा मैक्सी मार्वल फूड प्रोसेसर से आप कई अलग अलग काम कर सकेंगे, वो भी 90% प्रेपरेशन टाइम और मेहनत बचाकर, जैसे प्यूरीज टमेटोज, क्रशेस आइस, मिंसेस मीट, चॉप्स अनियंस, चॉप्स जिंजर गार्लिक एंड चिलीज, चॉप्स कॉलीफ्लावर्स, क्रम्स ब्रेड, चॉप्स पालक एंड अदर लीफी वेजिटेबल्स, मिस्सी रोटी आटा, स्लाइसेस क्यूकुम्बर्स, कट्स कैबेज, स्लाइसेस पोटैटोज, श्रेड्स लौकी, श्रेड्स कैरेट, श्रेड्स मूली, ग्रेट्स कोकोनट एंड गोला, पल्प्स चीकू, नीड्स आटा, मैशेस पोटैटोज, शेल्स पीस, बैटर फॉर केक्स, सैलड ड्रेसिंग, विस्क्स एग्स, व्हिप्स क्रीम, चर्न्स क्रीम फॉर बटर, बैटर फॉर वड़ास, इडलीज एंड डोसास, मैंगो क्रश, मिल्क शेक्स, अनियन पेस्ट, ड्राई ग्राइंडिंग फॉर मसाला, लेमन जूस, कीनू जूस, कैरेट जूस, ऑरेंज जूस, कोकोनट मिल्क, सूप स्ट्रेनिंग और बहुत कुछ। यह है आपके इनालसा मैक्सी मार्वल फूड प्रोसेसर का पूरा सेट, और इसमें आपको मिलेगा एक अनब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट जार, एक ब्लेंडिंग जार, एक स्टेनलेस स्टील ड्राई ग्राइंडिंग जार, एक स्टेनलेस स्टील चटनी जार, स्लाइसिंग डिस्क, श्रेडिंग डिस्क, फ्रेंच फ्राइज डिस्क, कोकोनट श्रेडिंग डिस्क, चॉपिंग ब्लेड, प्लास्टिक ब्लेड, विस्किंग डिस्क, सिट्रस जूसर और सेंट्रीफ्यूगल जूसर। सबसे पहले देखिए, यह है पॉलीकार्बोनेट जार, ये किसी भी तरह की स्मेल नहीं छोड़ता, साथ ही ये अनब्रेकेबल भी है। बच्चों या बड़ों के हाथ से गिरने से इसके टूटने का कोई डर नहीं है। ये अप्लायंस एकदम सेफ है, इसमें एक नहीं चार सेफ्टी फीचर्स हैं। इसका फूड पुशर इस तरह का डिजाइन किया गया है कि गलती से भी इसमें किसी का हाथ ना जा सके। अब हम ये जानते हैं कि ये फूड प्रोसेसर स्टार्ट कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझें कि ये प्रोसेसिंग बाउल आपकी मेन यूनिट पर कैसे लगेगा। बाउल को मेन यूनिट पर लगाने के लिए इसकी बॉटम साइड पर दी गई मार्किंग और मेन यूनिट पर दिए गए इसके लॉक से मैच करके इस प्रोसेसिंग बाउल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक कीजिए। इसको कवर करने के लिए बाउल कवर को इसके फीडर ट्यूब की तरफ से पकड़कर रखिए। अब ध्यान से बाउल कवर की मार्किंग को इस बाउल में बने एरो से मैच करके इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक करें। जब तक इसका ये बाउल कवर पूरी तरह से लॉक नहीं होगा, ये अप्लायंस नहीं चलेगा। अब इसको निकालने के लिए इस रिलीज बटन को दबाइए और क्लॉकवाइज घुमाकर इसे निकालिए। इसमें एक्सीडेंट का कोई भी खतरा नहीं है। जब तक ब्लेंडर साइड का लिड ठीक तरह से बंद ना हो, तब तक ये प्रोसेसिंग जार नहीं चलेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर है। ब्लेंडिंग जार चलाने के लिए प्रोसेसिंग जार का ढक्कन बंद करना जरूरी है। और याद रखें, ब्लेंडिंग जार और प्रोसेसिंग जार एक साथ इस्तेमाल ना करें। इसमें एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है जो कि मशीन को ज्यादा गर्म होने पर उसे ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। ऐसा होने पर इसे ठंडा होने के बाद इंडिकेटर स्विच दबा के चलाएं। ये लगभग 3 मिनट के बाद उपयोग के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। पल्स फीचर के लिए नॉब को बाएं घुमाएं। अब आते हैं स्लाइसिंग डिस्क पर। इनालसा में स्लाइसिंग डिस्क एक तरह का जादूगर है। सलाद के लिए खीरा काटना देखिए कितना आसान है, और कैबेज की स्लाइसिंग भी बहुत आसान है। इससे आप सब्जियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार काट सकते हैं। अब
अब पोटैटो वेफर्स तो आप घर में ही काट सकते हैं। स्लाइसिंग डिस्क को रिवर्स करें और बन गया श्रेडिंग डिस्क, है ना जादू? देखिए कितनी आसानी से कोफ्ते के लिए लौकी और हलवे के लिए गाजर तैयार हो सकता है। चाइनीज डिश बनाने के लिए गाजर मोटा या लंबा काटना हो तो क्षणों में तैयार हो जाता है। अब खाना बनाना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही देखिए इसे धोना भी बहुत आसान है। इसे पानी से धोइए और फिर से काम करने के लिए तैयार। अब कोई सरदर्दी नहीं। मूली के पराठों के लिए बारीक मूली कस श्रेडिंग डिस्क से किया जा सकता है। इनाल्सा के इस फूड प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है एक फ्रेंच फ्राइज डिस्क। इस डिस्क से आप आलू के फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं और इन्हें तलकर सर्व कर सकते हैं। इनाल्सा के इस फूड प्रोसेसर में बने फ्रेंच फ्राइज सभी को इतने पसंद आते हैं कि आपको मेहमानों के आने पर कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, बस फ्रेंच फ्राइज बनाएं, तलें और सर्व करें। आपका समय कीमती है, इसलिए इनाल्सा ने दिया है एक कोकोनट श्रेडिंग डिस्क। नारियल हो या गोला, इनाल्सा कुछ ही पल में दोनों को श्रेड करता है। और यही नहीं, आप जिस तरह की श्रेडिंग चाहते हैं वो भी फूड क्रशर और डिस्क के गैप को बदलकर कंट्रोल कर सकते हैं। शरीफे और चीकू को खाने का मजा तो बिना बीज के ही आता है। ये सेकंड्स में शरीफे और चीकू के बीज ही नहीं निकालता बल्कि फ्रूट को पल्प भी कर देता है। और ये है इसका चॉपिंग ब्लेड। प्लास्टिक कवर की वजह से ये ब्लेड बहुत सेफ है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई स्क्रू की जरूरत नहीं है। ब्लेड को सिर्फ ऊपर से रखिए। ये ब्लेड टमाटरों की प्यूरी बनाने में इतना माहिर है कि लोग आपके हाथों की बनी पनीर मखनी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और गर्मियों में आपके बच्चे भी बिल्कुल हाइजीनिक आइस लॉलीज का मजा ले सकते हैं। अगर आपको कीमा बनाना हो तो इसका डबल ब्लेडेड नाइफ कीमे पर ऐसे चलता है कि कबाब या मीट के कटलेट का मजा आप घर बैठे ही उठा सकते हैं। अक्सर ज्यादा मात्रा में ही नहीं, कम मात्रा में भी प्याज अदरक लहसुन पीसने की समस्या होती है। इसमें एक टुकड़ा अदरक या एक मिर्च भी आसानी से कट सकते हैं। इससे गोभी के पराठे भी बनाना कितना आसान है, चाहे एक बनाना हो या पूरी पार्टी के लिए। यही नहीं, लाजवाब कटलेट बनाना हो तो जब तक ब्रेड क्रम्स का चूरा सही तरह से बारीक नहीं हो वो स्वाद आ ही नहीं सकता। पालक या कोई भी पत्तेदार सब्जी काटना बहुत आसान है। और इसे साफ करना भी कितना आसान है, सिर्फ पानी से धोइए और ये साफ। अब देखते हैं इस चॉपिंग ब्लेड का कमाल। यदि आप मिस्सी रोटी, मेथी या अन्य किसी पत्तेदार सब्जी की पूरियों का मजा लेना चाहते हैं तो इस ब्लेड की सहायता से इसका आटा तैयार कर सकते हैं।
और ये है कमाल का प्लास्टिक ब्लेड। आटा गूंदने जैसा कठिन काम न सिर्फ आसान करता है बल्कि इसमें गूंदा हुआ आटा आपके हाथ के गूंदे हुए आटे से कई गुना साफ भी होता है। इसमें गेहूं, मकई, बाजरा और मैदा या बेसन आदि का आटा भी गूंदा जा सकता है। देखिए आटा गूंदना कितना आसान है। आटा डालिए और पानी डालने के लिए इसके फूड पुशर की भी हेल्प ले सकते हैं। फूड प्रोसेसर चलाइए। अब धीरे धीरे पानी डालिए। आटे का गोला बनने दें और कुछ ही चक्कर के बाद ये खुद ब खुद तैयार हो जाएगा और साथ ही जार की सफाई भी हो जाएगी। यही नहीं, आपका गूंधा हुआ आटा कभी बेकार नहीं जाएगा। यदि आटा ज्यादा नरम या सख्त हो गया हो तो सख्त को नरम करने के लिए पानी डालें और नरम को सख्त करने के लिए आटा डालें। है ना चुटकी भर का काम। एक बार में 450 ग्राम यानी 12 से 15 चपाती बनाएं। आटे की मात्रा का ध्यान रखें। यदि आटा ज्यादा हो गया हो तो उसे निकाल लें, अन्यथा आपके गुथे हुए आटे की क्वालिटी ठीक नहीं होगी और आपके फूड प्रोसेसर की मोटर पर भी ज्यादा लोड पड़ सकता है। आलू मैश करने के लिए भी अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इनालसा की प्लास्टिक ब्लेड से करना बिल्कुल आसान है। और अगर मटर की कोई डिश बनानी हो तो एक तरफ मुट्ठी भर मटर जार में डालिए और दूसरी तरफ छिले मटर पानी में डालकर मटर के दानों को छिलके से अलग पाइए। केक के लिए बैटर बनाने में काफी मेहनत लगती है ना? पर अब आप इनालसा के साथ अपने परिवार के लिए रोज केक बनाना चाहेंगे। है ना कितना आसान। सैलेड ड्रेसिंग बनाने में भी ये काफी काम आता है। मेयोनीज अब आप घर बैठे ही बना सकते हैं। ये है विस्किंग डिस्क। इसका उपयोग आप अंडे फेंटने के लिए कर सकते हैं। इसकी एयर मिक्सिंग इतनी अच्छी है कि अंडा फ्लफी हो जाता है और आपको बिल्कुल बढ़िया ऑमलेट मिलता है। और यही नहीं, क्रीम और मक्खन निकालने जैसे काम इनालसा में सेकंड्स में हो जाते हैं। आपका इनालसा फूड प्रोसेसर जूसर भी बन सकता है। इसमें सिट्रस और सेंट्रीफ्यूगल जूसर दोनों ही हैं। इसमें आप गन्ने के अलावा कोई भी फल या पत्तेदार सब्जी का जूस निकाल सकते हैं। ये है सिट्रस जूसर। इसे लगाना बहुत आसान है। आइए देखें। इसमें नींबू या कीनू, मौसमी या माल्टा जैसे रसदार फलों का रस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही दूसरे जूसर की तरह रस बर्बाद होता है, यानी बूंद बूंद का हिसाब। ये देखिए, इसमें नींबू का रस निकालने के बाद रस बिल्कुल बराबर है। साफ करने के लिए आप आसानी से धोइए, कोई परेशानी नहीं, और जूसर एकदम साफ।
यह है सेंट्रीफ्यूगल जूसर अटैचमेंट। इससे आप बाकी जूसर के मुकाबले 30% एक्स्ट्रा होमोजेनस जूस निकाल सकते हैं और साथ ही इसे फिट करना बहुत आसान है। गाजर का जूस सेहत के लिए कितना अच्छा है और इसमें सेकंड्स में बन जाता है। इनालसा में बने संतरे का रस इतना मीठा होता है कि मजा आ जाता है। इसमें ना तो बीज क्रश होते हैं बल्कि 30% से अधिक रस भी मिलता है, क्योंकि संतरे का रस निकालने के बाद जूसर दोबारा चलाएं और पल्प से एक्स्ट्रा जूस पाएं। ये सिर्फ इनालसा में ही हो सकता है और किसी जूसर में नहीं। नारियल का दूध निकालना भी इतना ही आसान है। और साथ ही सूप छानने के लिए इसमें खास फिल्टर लगे हुए हैं। इनालसा में आपको एक ब्लेंडिंग जार भी मिलता है जो कि आपको किसी भी मिक्सी में मिलता है, पर आप ब्लेंडिंग भी प्रोसेसिंग जार में कीजिए। इसमें जो आपको डोसा, फ्लफी वड़े और जो इडली मिलते हैं वो बाजार से कहीं बेहतर है, क्योंकि इसमें एयर मिक्सिंग होती है जो साधारण मिक्सी में नहीं होती। दाल चावल को पीस कर ये खोल बनाने में माहिर है और ये काम भी आप चॉपिंग ब्लेड से कर सकते हैं। देखिए है ना कितना फ्लफी। और चॉपिंग ब्लेड से आप बनाइए डिलीशियस मैंगो क्रश और शेक्स। शेक्स के लिए आप ब्लेंडर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्ट्रॉबेरी शेक तैयार करना कितना आसान है। और आप इस जार में मिक्सी के सारे काम कर सकते हैं। प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं। इस फूड प्रोसेसर के साथ में ड्राई ग्राइंडिंग जार भी है। इसमें आप हर तरह के सूखे मसाले पीस सकते हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा या धनिया, जो भी चाहें आप पीस सकते हैं। और क्लीनिंग भी बहुत ही आसान है, सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछिए। इस फूड प्रोसेसर के साथ में आपको मिलता है एक चटनी जार। इसमें आप चटनी बना सकते हैं और साथ ही कम मात्रा में ड्राई ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। आपका इनालसा फूड प्रोसेसर आपका हमदम, आपका साथी, हर काम में आपकी मदद करेगा। ये आपकी 90% तक मेहनत और समय बचाएगा, यानी जब तक तवा गर्म हो आटा गूंथ कर तैयार, और जब तक पकोड़ों के लिए तेल गर्म हो बेसन का घोल और आलू कटर तैयार। तभी तो कहते हैं इनालसा फूड प्रोसेसर सबसे बेहतर, कल भी, आज भी और कल भी।